Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are all good. Welcome back to Sultan Food Station. Today I am going to make भिंडी. भिंडियों को मैंने काट के रखा है आपके सामने है और ये इसी तरह मैंने थोड़े बड़े से बड़े बड़े प्याज काटे हैं, जैसे कि लच्छे में प्याज काटते हैं वो उस तरह प्याज काटे हैं. और भिंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं कि मैंने बड़ी बड़ी भिंडियाँ काटी हैं. जो बड़ी ज़्यादा बड़ी भिंडी थी उसको मैंने तीन पार्ट्स में काट लिया, जो मीडियम थी उसको टू में काट लिया, और जो ज़रा छोटी थी उसको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा उतार के उसको बस मैंने एक पीस में ही रखा है. इसके साथ ये ग्रीन चिली पड़ी हुई है, ये भी थोड़ी मैंने काट के बड़ी बड़ी रखी है. साथ टू टमाटोज काटे हैं. अब आगे क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ. आज जनाब आप सीखेंगे मेरे स्टाइल में भिंडी बनाना. देखिए मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल डाला है. आपके सामने आपको नज़र आ रहा है वो जो है गर्म हो गया है. और इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा नमक डालने लगी हूँ. ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है. उसके साथ ही ये जो भिंडियाँ हैं ये मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर. और सबसे पहले जो है भिंडियों को फ्राई करेंगे, जैसा कि ऐसे करके फ्राई करके इसको 5 to 7 मिनट फ्राई कर लेते हैं. जैसे आप पंजाबी में कहते हैं कि इनको तड़फा तड़फू के हम निकाल लेंगे. हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं. सबसे पहली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो तो मुझे याद नहीं रहा कि सबसे पहले जब वो सब्जी लेके आए उसी वक्त सारी सब्जियों को धो के रख दिया करें, ताकि वो खुश हो जाए फिर अपनी फ्रिज में या जहाँ भी रखनी होती है आपने रखा करें. मैं तो यही करती हूँ कि कल मेरी भिंडियाँ आई थी और भी सब्जियाँ मैंने धो के उसी वक्त रख दी थी. आज मैंने बना रही हूँ तो मेरे लिए आसानी थी, सूखी हुई थी, फौरन निकाला और काटा. अब ये फ्राई हो गई है, अब इसको मैं वापस प्लेट में डालने लगी हूँ. जो पैन है वो खाली किया, अब इसमें ये प्याज डाल रही हूँ. अब थोड़ी देर इनको मैं फ्राई करती हूँ तो फिर अगला स्टेप करते हैं. ये उसी ऑयल में ही है, थोड़ा सा जो ऑयल मैंने पहले डाला था, क्योंकि अब ये वीडियो के अंदर ऑयल चला गया है, अब और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं. भिंडियाँ बनाने के लिए आपको बड़े प्यार और बड़े पेशेंस की ज़रूरत है. बहुत जेंटली तरीके से जो होती है ना इनको हिलाया जुलाया करें, ताकि ये भिंडी आपकी टूटे ना. वैसे तो हर कोई बंदा बनाता है, बना के ही खाता है, लेकिन ये है कि हर चीज़ बनाने का एक तरीका होता है, और अगर आप तरीके से बनाएंगे तो वो आपकी खूबसूरत भी होगी और मज़े की भी लगेगी. प्याज है वो सोटे हो गए हैं. प्याज का मसाला तो हमने बनाना नहीं है, इसको थोड़ा सा सोटे करना है. इसके अंदर क्रंच होना चाहिए. जो भिंडियों के अंदर प्याज होता है उसमें क्रंच थोड़ा हो तो वो अच्छा लगता है. अब इसी में मैंने ये टमाटर डाल लिए हैं. अब इनका जरा थोड़ा पानी फिक्स होता है तो फिर साथ साथ जो है स्पाइसेस डालते हैं. ये नज़र आ रहा होगा आपको. और थोड़ा तेज़ आंच पे टमाटर का पानी जो है वो खुश किया करें, ताकि आपके प्याज जो है वो ना ज़्यादा गले. जी जनाब, ये आपको दिख रहा होगा कि टमाटर का भी पानी भी खुश हो गया है, प्याज भी छोटे हो गए हैं, जो है टमाटर वो भी अंदर मैश हो गए हैं. अब हम अपने स्पाइसेस इसमें डालेंगे, क्योंकि साल्ट मैंने पहले डाला है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपकी जो भिंडी है उसको टूटने नहीं देगा. साल्ट इसलिए पहले डालते हैं कि भिंडी टूटती नहीं है. अब मैंने ये थोड़ा सा जो है टर्मरिक पाउडर है ये मैंने डाला है, जिसको हल्दी कहते हैं. और इसके साथ मैं डालूँगी थोड़ी सी ये चिली फ्लेक्स डालूँगी, ये जो हमारी जिसको हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं या दादर मिर्च कहते हैं, जो भी कहते हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कहते हैं. इसके साथ ये हमारा हो गया कोरिएंडर पाउडर हो गया 1/2 टेबल जो है टीस्पून. इसके साथ ये थोड़ी सी जो है 1 पिंच मैंने ये ब्लैक चिली पाउडर डाला है. अब फिर इसको नमक जो है चख के डालूंगी, तो वही काफ़ी है या और मैंने डालना है. भून लिया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी बस. ये नज़र आपको आ रहा होगा मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है एंड पे, क्योंकि अब बस अंदर भिंडी डालूंगी. ऑलिव ऑयल डाल के ज़्यादा भूनते नहीं हैं, लेकिन उसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है. ये जनाब देखें ये हमारी भिंडियाँ, अब इसको ऐसे करके डाल लिया
और इसको बहुत ही प्यार से इसको जो है ना आपने ऐसे करके मिक्स करना है वेरी जेंटली तेजी में, भिंडियों के साथ जोर घुमाई नहीं करनी, इसको ऐसे करके तो ताकि आपकी भिंडियाँ टूटे नहीं। ये भिंडी बनाने का एक फन होता है कि भिंडी अंदर से टूटी हुई ना हो। आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी भिंडियाँ देख के। तो मैंने वैसे अपना साल्ट सिख है मेरा तो काफ़ी है, जो मैंने पहले ही डाल दिया था कि 1 टीस्पून जो था वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला करें। अब इसमें मैंने ये जो मोटी मोटी सी काटी हुई है ग्रीन चिली ये रख ये डाली है एंड पे, और अब इसको मैं थोड़ा सा दम पे रखती हूँ और फिर जो है इसको डिशॉल कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका कलर भी फेड नहीं होगा। जनाब अब हम देखते हैं भिंडियों को, 5 मिनट हो गए हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही हैं। अब इसको ज़रा प्यार से हिलाते हैं और फिर डिश वॉश कर लेते हैं। देखिए इनका कलर भी कितना माशाल्लाह प्यारा है और कितनी ये परफेक्ट भिंडियों का रेडी हुई है, ये बहुत मज़े की बनती हैं। मैंने भिंडी को डिश आउट कर ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, जो पाउडर गरम मसाला पाउडर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले तो चाहते नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ही वो अदरक लहसुन नहीं डाला, लेकिन मैं हमेशा से जो है कि मैं नहीं प्रेफर करती कि भिंडियों में जो है अदरक लहसुन जो डाला जाए, और ना मैं उसमें बैंगन में डालती हूँ ना इनमें डालती हूँ भिंडियों में। तो ये आपके सामने रेडी हो गई है, ये मज़े में बहुत मज़े की हैं और आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक दीजिए। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए करें, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखना। होप ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।